नमस्ते, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 15 महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन है ए वॉन न्यूमैन, बी जे एस केल्वी, सी चार्ल्स बैबेज, डी बिल गेट्स। आपका सही जवाब होगा सी चार्ल्स बैबेज। आपका दूसरा सवाल है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए अटारीज, बी एनियक, सी टैंडी, डी नोवेल। आपका सही जवाब होगा बी एनियक। आपका तीसरा सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। आपका सही जवाब होगा 1947। आपका चौथा सवाल है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी बाइडू, डी वोल्फ्राम अल्फा। आपका सही जवाब होगा डी वोल्फ्राम अल्फा। आपका पांचवा सवाल है, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। जवाब देने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका छठा सवाल है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 1024 बाइट। आपका सातवां सवाल है, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 टेराबाइट। आपका सही जवाब होगा ए 1024 किलोबाइट। आपका आठवां सवाल है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किस धातु से बनते हैं? ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। आपका सही जवाब होगा डी सिलिकॉन से। आपका नौवां सवाल है, इंटरनेट के एड्रेस में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब होगा डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका दसवां सवाल है, एक सुवाहिया निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी PDA। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सही जवाब होगा बी नोटबुक कंप्यूटर। आपका ग्यारहवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है? आपके ऑप्शन है ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD-ROM, डी कोर मेमोरीज।
आपका सही जवाब होगा सी सी डी रोम। आपका 12वां सवाल है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। आपके ऑप्शन है ए माइक्रोचिप, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक या लॉजिक। आपका सही जवाब होगा डी अर्थमेटिक या लॉजिक। आपका 13वां सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट, बी मोडम, सी ALU, डी कंट्रोल यूनिट। आपका सही जवाब होगा सी ALU। आपका 14वां सवाल है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। आपके ऑप्शन है ए मानव मन, बी कंप्यूटर, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए मानव मन। आपका आखिरी सवाल है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी आउटपुटिंग। आपका सही जवाब होगा बी अंडरस्टैंडिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।